हम लोग बहुत खुश हुए, बंपर ओपनिंग मिला है हम हमारी लोग फिल्म भावुक में. हो गए. यस, मेहंदी लगा के रखने को बंपर ओपनिंग मिला है. एंड सीरियसली बहुत खुश है हम लोग. एंड सबकी मेहनत रंग लाई है. लाइक ये फ्लावर्स है वैसे ही हमारी मेहंदी लगा के रखना है. यस यस, कलरफुल एकदम. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच, लव यू. एक्चुअली ओपनिंग जो लगी वो तो हमारे लिए है भी सोने पे सुहागा. जो लोगों को फिल्म पसंद आई है और जो लोगों ने फिल्म को अप्रिशिएट किया है पूरी इंडस्ट्री से, पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश, मुंबई में जो अप्रिशिएशन मिल रहा है और फिल्म को जो लाइक कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है. हम लोगों ने सोच करके इतना एफर्ट अपना डाला था, इतनी मेहनत की थी, चाहे वो एज अ डायरेक्टर मैं हूँ या प्रोड्यूसर अनंजय रघुराज या हमारे मतलब क्रिएटिव एक तरह से बोलिए क्रिएटिव एड हमारे रत्नाकर सर जो म्यूज़िक कंपनी के ऑनर हैं, मालिक हैं, या खेसारी लाल हों या अवधेश मिश्रा हों या काजल लगवानी हो, जो सब ने मिलकर एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट इतना खूबसूरत मिला है और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लिए. ये हमारी फिल्म तो छोड़िए, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी गौरव की बात है. जो इंडस्ट्री आजकल इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, उसमें एक नई बयार आई है. यस, हम लाइक फर्स्ट डे को प्रमोशन करेंगे यहाँ पे एंड मुंबई में. और हमें बिहार में बहुत मज़ा आया एंड पब्लिक ने बहुत प्यार दिया. और घोड़ासन, ढाका, हाजीपुर, तो जहाँ जाती है वहीं पे लोग प्यार देते हैं ना इसको. मोतिहारी, हर जगह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारी फिल्म को और हमारे हमारे जो हमारे डायरेक्टर है उनको. उम्मीद तो एक्चुअली जिस तरह से हमने वर्क किया था और हमने बहुत हार्ड वर्क किया था इस फिल्म के लिए और इसको हाइट पे पहुंचाने के लिए हमने जी जान लगा दी है. एंड जो हमारी फिल्म बनी है मेहंदी लगा के रखना, लाइक मेहंदी की जो महक होती है उस तरह से पब्लिक ने उसकी महक हर जगह फैला दी है. सरसों की सगिया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और हमारे सिर्फ ऑडियो ही हमारा रिलीज़ हुआ है तो 50 लाख क्रॉस कर चुका है. तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं सरसों की सगिया. ये पिक्चर पहले से ही हिट था तो हम लोगों को अंदाज था कि ये चीज़ होना है. और खास करें जो गाने और आर्टिस्ट काजल एंड जो खेसारी जी हैं वो, उस पर हम लोग को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि नोटबंदी के बाद ये पहली पिक्चर थी जो रिलीज़ हुई थी जी. और हर एक इंडस्ट्री को जो सारे लोग थे उनको उम्मीद थी कि ये पिक्चर चले. और हम कि हमारे बोलने से और किसी के बोलने से ऐसा नहीं हुआ है. ये पब्लिक का डिमांड था और ये ऑलरेडी क्रिएट हो गया है और उस ढंग से. और ये रजनीश जी ने जो डायरेक्शन और बहुत नेचुरल पिक्चर बनाई है. Planet Bhojpuri.